आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आप लोगों को बहुत ही लाभकारी चीज़ बता रही हूँ जो कि गर्मी के मौसम में पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आमरस बनाने के लिए मैंने बड़े बड़े ताज़ा 2 आम लिए हैं और इसे मैं दोनों आमों को आमरस बना रही हूँ। आमरस बनाने के लिए मैंने एक कुकर ली है और उसमें दोनों आम को डाल दूंगी। कुकर में दोनों आम को डाल दे रही हूँ। मैंने गैस ऑन कर ली है। और गैस पर चढ़ाती हूँ मैं। 2 सीटी के बाद इसे या 1 सीटी के बाद इसे खोलकर निकाल लेना है। आमरस में जो सामग्री लगेगी वो ये है, जैसे कि चीनी पाउडर है प्लस ये नमक, जीरा भुंजा हुआ और मिर्ची भुंजी हुई। इन सभी 4 चीज़ों को ऐड करके मैंने मिक्स करके बनाकर पहले से रखी है। इसमें मैंने काला नमक भी मिक्स किए हुए। सिर्फ मिर्चा नहीं मिक्स किए हैं, मिर्चा अलग से लेती हूँ। यदि बच्चे लोग को खाना रहता है तो मिर्चा नहीं डालती हूँ क्योंकि पेट में लहर होता है, या बड़े लोग को। इस तरह से मिक्स पाउडर बना के मैं रखती हूँ। ये सभी सामग्री आम को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये मिक्स पाउडर डालकर मैं बनाऊंगी। आम बॉईल हो गया है। इस तरह से इसके छिलके को निकाल लेना है और इसे चाकू के द्वारा कट करके छोटे छोटे पीसों में इसे करके निकाल लूंगी। ये गुद्दे को एक बॉल में मैं रख ले रही हूँ। मैंने गुद्दा निकाल लिया है, जैसा कि देख रहे हैं इस तरह से निकला है गुद्दा। इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। आप इसे जितना भी पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। जीरा बुकनी, मिर्ची, चीनी भुका हुआ और स्वाद अनुसार अपना नमक डालिए। मीठा पसंद है तो ज़्यादा आप चीनी डालिए और इसे अच्छी तरह से चला लेना है। शरीर के लिए फायदेमंद है, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आमरस बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आएगा
आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से बनाकर बड़े बूढ़े बच्चे सबको दे। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।